आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने कवायद तेज कर दी है। बताया ये जा रहा है कि बहुत जल्द संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मसौदा लाया जा सकता है। और इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में परीक्षण चल रहा है। क्या है ये परीक्षण, क्यों उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है, जिस पर पूरी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कानून का केंद्रीय बिल किसी भी वक्त संसद में पेश किया जा सकता है। परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड में कानून बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया है। खास बात यह है कि इस ड्राफ्ट के निर्देश बिंदु केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से भेजे गए हैं। इससे साफ हो गया है कि कानून का ड्राफ्ट केंद्र सरकार के पास तैयार हो चुका है। मामले से जुड़े आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अवश्य लागू होगा, लेकिन इसका समय कब होगा ये मोदी सरकार को तय करना है। इधर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की इस पहल पर घोर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बीजेपी केवल कोरे दावे करती है। संवैधानिक रूप से कोई राज्य कैसे अलग कानून बना सकता है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है? यहाँ पर जो हिंदू कोड बिल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है या दूसरे धर्मों के जो कानून है, क्या सरकार पहले उनको ख़त्म करेगी? ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और उससे जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड की सरकार अगर यहाँ पर एक कमेटी बना करके उसका कोई रूल फ्रेम करती है और विधानसभा में माना उसको बहुमत होने के कारण पारित भी कर देती है, तो एक देश में दो कानून, नागरिकता के दो कानून, क्या ये अपने आप में जो हमारा संविधान कहता है उसकी व्यवस्था के अनुरूप है? ये कुछ सवाल हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चाहिए कि इन सारे सवालों के जवाब पहले खोजे। केंद्र सरकार के सूत्र बताते हैं कि राज्यों में बने समान नागरिक संहिता कानून को बाद में केंद्र सरकार के कानून में ही समाहित कर दिया जाएगा, यानी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में ज्यादा अड़चने आड़े नहीं आने वाली। आपको बता दें कि वर्तमान समय में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून मौजूद हैं। अभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए अलग अलग नागरिक कानून लागू हैं जो उनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं। हिंदुओं का कानून वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, न्याय के आधुनिक मत और बराबरी पर आधारित है, जबकि मुसलमानों का कानून कुरान, सुन्नाह, इज्मा और कियास पर आधारित है। ईसाइयों का कानून बाइबल, रूढ़िया, तर्क और अनुभव के आधार पर बना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत भारत के हर नागरिक के लिए एक कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे का मुख्य मुद्दा रहा है और आरएसएस भी चाहती है कि देश में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार इस कानून को लागू कर एक और मास्टर स्ट्रोक ले सकती है। मेरे पीछे मौजूद सचिवालय में इस वक्त उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर माथापच्ची कर रही है। बहुत जल्दी मसौदा तैयार किया जाएगा, विधानसभा में विधेयक के तौर पर लाया जाना है। लेकिन ये जो पूरा मसविदा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इसको सबसे पहले केंद्र की मोदी सरकार परखेगी। और ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द उत्तराखंड की विधानसभा में ये विधेयक आएगा और इसके प्रारूप के आधार पर संसद में नया कानून भी लाया जा सकता है। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमवर, जय भारत टीवी।